Okay, students, I hope you have seen the video I shared with you earlier. Let us start with the lecture. And before that, it's better if we see who is present in this lecture. So I will call your roll numbers. 19401, Muhammad. Present, sir. 19402, Muhammad Hussain. 19403. Present, sir. President, आपका नाम क्या है? मोहम्मद माहद हाशमी. माहद, ऐसे ही लिखना है? जी सर, दूसरा है होता. ठीक है जी सर. ठीक है. 19404, 19406. प्रेजेंट सर. नाम भी बता दीजिएगा. सर सैयद सिराजुल मुनीर हाशमी. अच्छा, आपका मेरा हाल में इशू चल रहा था कोई? यस सर, इशू चल रहा था बिल्कुल. ओके, आप आगे हैं. गुड. यस सर. 19CS407 मोहम्मद सर, इसकी डेथ होगी ना होगी? अल्लाह हु अकबर. 408 प्रेजेंट सर. 409, 410 प्रेजेंट सर. 411 सर. 409, 409 प्रेजेंट. ठीक. यस. 411 प्रेजेंट सर. 412 413 इससे से आपने माइक्रोफोन जो ना वो अनम्यूट कर लें. अभी अटेंडेंस टाइम है या अगर आपका रोल नंबर आ रहा है तो आप थोड़ी देर पहले अपने माइक्रोफोन को अनम्यूट कर लें. ठीक है, पॉसिबल कि आप अटेंडेंस बोलें लेकिन मुझे सुनाई ना दे रही हो. 417 418 प्रेजेंट सर. 418 प्रेजेंट सर. 417 इनके बाद ये शी इज 419. यस सर. अपना नाम भी बता दीजिए. मोहम्मद तैयब. ये 417 प्रेजेंट है सर. 417 प्रेजेंट है. यस सर. जानम. 420 प्रेजेंट सर. 421 प्रेजेंट सर. 422 सर, इसका सर हैंड रेज इसने किया था सर, इसका नेट प्रॉब्लम आ रहा है. नेट प्रॉब्लम आ रहा है इसका? यस सर, हैंड रेज इसी ने किया था. वाईफाई चला गया है कौन सा. 423 present sir. 424 present sir. 425 426 427 present sir. 428 present sir. 428 present sir. 429 yes sir present. 419 18 or 19 419 18 or 19 417.
सर 425 का माइक इशू है सर, अटेंडेंस लगा दें। अभी प्रेजेंट है ये? यस सर प्रेजेंट है, खुशबू शहबाज। ठीक सर, 426 का भी यही इशू है। चलें, किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन रेज किया था कि 8086 से वो 20 बिट प्रोसेसर है। यस सर, वो मैंने सेंड कर दिया, स्क्रीनशॉट्स चेक कर लें। आपने कैसे सेंड किया है? टीम पे सेंड किया? स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीनशॉट टीम पे चैट में। 417 119। अब करंट लेक्चर के एंड पे बताइएगा मुझे। ठीक है सर, यही है, ये मेरा रोल नंबर। अच्छा ठीक है, 417 इज प्रेजेंट। अच्छा, आपने जो स्क्रीनशॉट सेंड किया है वो ये जो है अपनी लोकेशन में किया है, डेटा कहां से हासिल करना है। आपका स्क्रीनशॉट मुझे नजर नहीं आ रहा सर, ये ऊपर है, थोड़ा नीचे करें, ये देखिए ऊपर आफ्ताब है अंदर। ये सर, लेकिन इसमें स्क्रीनशॉट तो नहीं है सर। स्क्रीनशॉट है, नीचे करें, स्क्रॉल डाउन करें सर। हाँ ठीक है, अच्छा ये फॉर एग्जांपल द 8086 माइक्रोप्रोसेसर असाइंस अ 20 बिट एड्रेस एंड 24 बिट एड्रेस। अच्छा, ये जो आपने लिखा है 20 बिट इज द एड्रेस, 8086 कैन एक्सेस मैक्सिमम मेमोरी विद इन 20 बिट एड्रेस, तो ये जो एड्रेस है ना, ये इसके लिए 20 बिट्स है, प्रोसेसर जो है ये 16 बिट्स है। ठीक है, ये बताएगा एड्रेस मैक्सिमम एड्रेस बिट्स का मतलब ये है कि हम कितनी रैम ऐड कर सकते हैं 8086 प्रोसेसर के साथ। तो कुछ कंप्यूटर्स आज भी अगर आप देखें, लैपटॉप्स हैं, उनमें कुछ में 2 GB से ज़्यादा आप रैम नहीं लगा सकते, कुछ में 4 से ज़्यादा नहीं लगा सकते, कुछ में 8 से ज़्यादा नहीं लगा सकते। हालांकि आपके अप टू 32 GB रैम अवेलेबल हैं चिप्स, लेकिन वो हर प्रोसेसर की एक लिमिट होती है कि वो कितनी मेमोरी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये जो 20 बिट हैं ये एड्रेस बिट्स हैं, और 20 बिट एड्रेस के साथ हम कितनी एड्रेस लोकेशंस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउ मेनी पैटर्न्स वी कैन अचीव विद 20 बिट बाइनरी नंबर, दैट इज द क्वेश्चन। No? Okay, I hope the question repeat kar den. Okay, my question was if I have 20 bit long address, how many unique locations can be addressed by that binary number? चलिए, मुश्किल हो गया, कोई बात नहीं, हमारा अगला लेक्चर जो है डेट इज अबाउट द बाइनरी नंबर्स। होपफुली दिस कॉन्सेप्ट्स वुड बी मोर क्लियर आफ्टर द नेक्स्ट लेक्चर। सो दिस 20 बिट इज एक्चुअली द एड्रेस, द विड्थ ऑफ द एड्रेस बस, और यू कैन से हाउ मेनी हाउ मच रैम कैन बी एडेड, रैंडम एक्सेस मेमोरी कैन बी एडेड to the microprocessor. Microprocessor itself is 16 bit, right?
8086 is a 16-bit microprocessor. Okay, hopefully you have gone through the lecture that I shared today. Okay, if we ask what is the difference between assembly language program and a higher level language program, for example, C. Whenever I say a high level language, that means either C or Java, or I forgot which programming language you have studied in your previous lectures, in previous sessions. C or Python? Sir, C++. Okay. What is the difference between an addition statement for C++ and an addition statement for an assembly language program? So we will start with the roll number 1401. Can you explain the difference between assembly program and C++ program? Yes, sir. Sir, C++ के लिए हम तीन variables लेंगे, int type के या किसी भी type के. Sir, हम उनको दोनों plus के operator से मतलब add करेंगे और एक जो third वेरिएबल होगा हम उसके एक और रख के स्टोर करवा के उसको सी आउट करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे. ठीक है. और सर असेंबली लैंग्वेज में मतलब कि एक लो जैसे लोड का एक होगा, उसका एड्रेस होगा 10, मतलब कि वहां से लोड करके फिर नीचे जाके हमने एक स्टोर करवाना होगा, उसका एड्रेस होगा वो प्रोसेसर के लिहाज से, जैसे फॉर एग्जाम्पल 11 होगा और नीचे वैसे उसके 12 होगा एक और एड्रेस, वो उस एड्रेस पे होगा हर चीज. तो तीन एड्रेस हमने क्यों यूज किए हैं सर? तीन अलग फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं ना, फंक्शंस जो है ना वो एक ही है, वो फंक्शन ये मतलब है कि वो नंबर्स कार्ड का. यस सर, मतलब कि मगर तीन चीजें हो रही है ना, पहले हम एक इनपुट करवाएंगे, फिर हम उसके अंदर स्टोर ऐड करवाएंगे, फिर हम स्टोर करवा के उसको प्रिंट करवाएंगे. ठीक है, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह. अच्छा, देन 402 मेरा ख्याल है नहीं है, 403. यस सर. अच्छा, अभी जो आपने वीडियो देखी है उसमें तीन फंक्शंस के नाम आपने सुने? जी सर. हर फंक्शन का बता सकते हैं कि वो क्या काम करते हैं, पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट? सर, सबसे पहले होता है लोड फंक्शन. सर, लोड फंक्शन क्या करता है, जहाँ से हमने वैल्यू उठानी हो ना, वहाँ उसका वहाँ पे हम उसका एड्रेस देते हैं और वहाँ से उसको लोड करते हैं. उसके बाद एड्रेस होता है, ऐड का ऐड होता है, ऐड में हम क्या करते हैं उसके सामने भी उसका एड्रेस देते हैं और पिछली वैल्यू में जहाँ पर वो ऐड करना होना वहाँ उसका एड्रेस देते हैं. और उसके बाद अगला फंक्शन होता है स्टोर का, उसमें भी हम एक एड्रेस देते हैं जहाँ पे हम लोड की हुई वैल्यू और ऐड की हुई वैल्यू स्टोर करते हैं. ठीक हो गया, सही. उसके 404 मेरा ख्याल है नहीं है, 406 है. यस सर. ठीक है. अच्छा, जो लोड स्टेटमेंट है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले सर वो मेमोरी जो है सर लोकेशन 10 पे जाएगी सर, उसे लोड करेगी. मेमोरी एट लोकेशन 10 जो होगी ना सर, उस पे जाएगी और उसे लोड करेगी. ठीक है. तो फिर कौन कौन से रजिस्टर्स यूज होते हैं सर इसके अंदर? सर यूज होते हैं प्रोग्राम काउंटर सर, उसके अलावा सर करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यूज होता है, मेमोरी एड्रेस होता है सर, डाटा होता है रजिस्टर. हाँ ठीक है सर, अभी अभी ऐड हुआ. ठीक.
अच्छा, आप ये बताइए कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है उसका क्या फंक्शन है सीपीयू के अंदर? सर ये जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है सर, ये जिस एड्रेस के ऊपर हम किसी भी डाटा को स्टोर करते हैं ना सर, उस लोकेशन का ये अपने अंदर एड्रेस स्टोर करके रखता है। ठीक, और मेमोरी डेटा रजिस्टर का क्या फंक्शन है? सर मेमोरी डाटा रजिस्टर में वो उसके डाटा को स्टोर करेगा, मतलब अगर हमारे पास उसके डाटा में आ रहा है ऐड करवाना है या इस तरह कर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो वो रजिस्टर उसको स्टोर करेगा। डेटा रजिस्टर उस डेटा को सेव करेगा, सेव करने के बाद क्या करेगा? सर सेव करने के बाद उसको लोड करवाएगा, उस लोड करवाएगा कहाँ पे? सर सेकंड रजिस्टर में इंटरफेरेंस। मेमोरी डेटा रजिस्टर है वो यूज होता है मेमोरी के अंदर कोई चीज लिखने के लिए और मेमोरी से कोई चीज पढ़ने के लिए। ठीक है, व्हेनेवर वी गिव एन एड्रेस टू आवर मेमोरी देन द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी आर ईदर कॉपीड टुवर्ड्स द मेमोरी डेटा रजिस्टर और द वाइस वर्सा। The data present in the memory data register is copied to the memory location, right? सर ये आपने बताया था कि memory return भी करता है, memory data register return भी करता है, दोनों काम करते हैं। memory से जो data हम read करते हैं वो पहले data register में आता है, फिर वो उसमें accumulator में या जहाँ उसकी ज़रूरत होगी वहाँ पर जाएगा। और दूसरा है कि अगर क्यूमुलेटर से डेटा प्रेजेंट है उसको मेमोरी में राइट करना है तो भी पहले वो मेमोरी डेटा रजिस्टर के अंदर जाएगा, वहाँ से मेमोरी में कॉपी होगी। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 409, इसका क्या फंक्शन है, ये क्यों यूज़ होता है? सर ये जो इंस्ट्रक्शन होती है ना वो करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल जब मेमोरी डाटा रजिस्टर में वो स्टोर होती है ना वो आगे से करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाके स्टोर होती है वो इंस्ट्रक्शन, और उससे उसके बाद कंट्रोल यूनिट में चले जाती है। और कंट्रोल यूनिट का क्या फंक्शन है? 410 सर कंट्रोल यूनिट जो है हमारे पास जो भी हमने फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो इनपुट लेता है, मतलब जो हमने करना होता है उसके बाद सिग्नल प्रिंट करने का होता है। लाइक अगर हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है वो चेंज हो रहा है, इंक्रीमेंट होने के बाद पहली वाली वैल्यू स्टोर हो रही है तो वो एक सिग्नल प्रिंट करता है और फिर आगे फर्दर फंक्शन परफॉर्म करता है। अच्छा, और समराइज करें तो ये डीकोड करता है किसी स्टेटमेंट? जी सर, डीकोड करता है जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दी होती है। जैसे हमने अभी ये कुछ इंस्ट्रक्शंस देखी, फॉर एग्जांपल लोड 10 है या ऐड 11 है, ये तो इंग्लिश लेटर्स में लिखी हुई है, तो कंप्यूटर के अंदर या मेमोरी के अंदर ये इंस्ट्रक्शन किस तरह से सेव की जाती है? फॉर 11 हाउ द असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर सेव्ड इन मेन मेमोरी।
411 प्रेजेंट हैं? फोर ट्वेल्व अब तक मेरी आवाज जा रही है? यस सर। फोर थर्टीन मेरा ख्याल नहीं है आज। फोर सेवनटीन जो असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस हैं वो रैम के अंदर किस तरह सेव होती हैं? यस सर। सर रिपीट कर दें। जो हमने अभी स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं असेंबली लैंग्वेज की जैसे लोड ऐड या स्टोर, ये रैम के अंदर किस तरह से सेव होती हैं, किस फॉर्मेट में सेव होती हैं? सर ये असेंबली लैंग्वेज की असेंबली लैंग्वेज में स्टोर होती हैं और मशीन लैंग्वेज में बाइनरी कोड की फॉर्म में सेव होती हैं। ठीक है, दैट इज द आंसर। असेंबली कोड में इंग्लिश अल्फाबेट्स की फॉर्म में जी असेंबली लैंग्वेज में इंग्लिश अल्फाबेट्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं और जो मशीन लैंग्वेज है उसमें बाइनरी कोड की फॉर्म में। असेंबली लैंग्वेज स्टोर करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ प्रोग्राम करने के लिए होता है कि आपके इंस्ट्रक्शन आपको समझ आ रहा हो कि ये कौन सी इंस्ट्रक्शन है। जैसे हम लोड ऐड या स्टोर के बाइनरी कोड याद नहीं रख सकते तो उसके लिए एक वर्ड्स हम याद कर लेते हैं। असेंबली लैंग्वेज है वो सिर्फ ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए होती है, मशीन के अंदर बाइनरी फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शन सेव होती हैं। देन इज 418। अभी जो हम बात कर रहे थे बाइनरी इंस्ट्रक्शंस, उसके दो पार्ट्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, वो दो पार्ट्स क्या क्या होते हैं? सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। एक असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन जो है या जो एक मशीन इंस्ट्रक्शन है उसके कोड के दो पार्ट्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं? सर उसका एक एड्रेस होता है, इस एड्रेस पे जाके वो डाटा स्टोर करवाता है, दूसरा उसको हम जी सर ठीक है आपने सही बताया, एक पार्ट तो उसका मेमोरी एड्रेस होता है और दूसरा सर दूसरा उसको हम बाइनरी में जो एक तो एड्रेस होता है जिसके जरिए से वो डाटा गेट करता है और दूसरा ये कि हम इंस्ट्रक्शंस के थ्रू करते हैं। तो नेक्स्ट 419। यस सर। आपसे भी यही क्वेश्चन है कि के सम यस सर। सर इसके दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट में हम इसमें इसकी इंस्ट्रक्शन होती हैं बाइनरी कोड में और सेकंड पार्ट में इसका एड्रेस होता है। ठीक, और जो इंस्ट्रक्शन होती है उसके कोड का नाम मेरा ख्याल है वीडियो में बताया गया। यस सर। उसे क्या कहते हैं हम? बाइनरी कोड सर। सर मेमोरी एड्रेस के जरिए से उसे आपसे आई होप मैं दोबारा से कोई क्वेश्चन पूछूंगा। मोहम्मद तैयब वो जो है ना वो उसे ओप कोड बोलते हैं। ठीक है, जो भी बाइनरी इंस्ट्रक्शन है उसके दो पार्ट्स हैं, एक जो है वो मेमोरी एड्रेस है और दूसरा जो है वो ओप कोड है। और ओप कोड की लेंथ कितनी थी जो इस वीडियो में हमने इंस्ट्रक्शन देखी है? सर 16 बिट कोड की, पूरी इंस्ट्रक्शन 16 बिट की थी। यस सर। सर एक 10 बिट की और एक 16 बिट की। 10 बिट का क्या था, एड्रेस था या ओप कोड था? 10 बिट का एड्रेस था। एड्रेस था और 6 बिट्स का ओप कोड। यस सर। नहीं है, अब कभी सेटिस्फाइड नहीं है इतना आंसर। 4 सर 20। यस सर। अच्छा एक्यूमुलेटर का क्या काम होता है, एक्यूमुलेटर क्या करता है?
सर जब कंट्रोल यूनिट कोई चीज़ डिकोड करता है मतलब कोई सिग्नल भेजता है तो जो उसका आंसर आउटपुट होता है वो एक्यूमुलेटर में जाकर स्टोर होती है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जब कोई काम करता है तो वो कहाँ जाता है? सर बेसिकली वो दोनों सेम ही है मतलब एक चीज़ है लेकिन आपने ज़रा वो सिंप्लीफाई करने के लिए अलग कर दिया था। तो जब अरिथमेटिक में भी कोई चीज़ होती है कैलकुलेट कोई और ऑपरेशन या फिर कोई एडिशन तो उसका भी रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? 421 प्रेजेंट हैं? यस सर। एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या फंक्शन है? प्रोसेसर के अंदर इसका क्या काम होता है? सर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इसके अलावा भी कोई काम करता है? सर ऐड और ऑर गेट जो होते हैं ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन होते हैं ठीक है एंड और नॉट ऑपरेशंस होते हैं वो भी ये परफॉर्म करता है। अच्छा देखिए ये अगर आप कोड लिख रहे हैं सी लैंग्वेज में तो वो बहुत आसान कोड है आपने कर दिया जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ठीक है। और असेंबली के अंदर जो है आपको तीन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना पड़ी तो फिर फ़ायदा क्या हुआ असेंबली लैंग्वेज में हमने कोड क्यों लिखा है? फोर डबल टू सर नेट प्रॉब्लम है इसका। अच्छा सही 423 यस सर। व्हाई डू वी यूज दिस असेंबली लैंग्वेज? सर मशीन लैंग्वेज तो वैसे इजीली रीड हो सकती है अंडरस्टैंड हो सकती है लेकिन अगर हम असेंबली लैंग्वेज की बात की जाए तो वो एक तो मशीन लैंग्वेज से क्लोज होती है और वो एक फास्टर वे है और शॉर्ट मशीन लैंग्वेज भी मतलब कह सकते हैं उसको एज कंपेयर टू सी प्लस प्लस। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज? सर मतलब ये जो असेंबली लैंग्वेज है वो फास्टर एक प्रोग्राम प्रोड्यूस करती है शॉर्ट मतलब जो मशीन लैंग्वेज है छोटा करती है मतलब प्रोग्राम प्रोड्यूस और जो इस मतलब ये इजी जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है उसमें हम लोग एक वेरिएबल्स लेके उसको वैल्यूज को स्टोर करते थे लेकिन इधर हम लोग इंस्ट्रक्शंस यूज कर रहे हैं तो अपनी तरफ दोनों मतलब दोनों के एडवांटेजेस अपनी अपनी जगह सेम है लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो ये असेंबली लैंग्वेज फास्टर वे है मतलब एक असेंबली लैंग्वेज फास्टर प्रोड्यूस करती है प्रोग्राम। सर मेरे क्वेश्चन जो है वो अब ख़त्म हो गए हैं तकरीबन कोई जहन में आया तो मैं पूछ लूँगा। अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो वीडियो में इसका आंसर नहीं था। इसका आंसर ये है कि जब भी हम किसी हायर लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं सी प्लस प्लस जावा पाइथन एटसेट्रा किसी भी लैंग्वेज में तो वो अल्टीमेटली मशीन लैंग्वेज के अंदर जाके ट्रांसलेट होते हैं बिकॉज आवर मशीन अंडरस्टैंड्स ओनली द मशीन लैंग्वेज। So this compile step, whenever we compile a higher level language, that source code is converted into machine code, right? So we always need the machine code and machine cannot understand the complex statements. Our processor is a very simple machine. It can perform the simplest of the functions. For example, it can only add two numbers or it can perform three logical operations, for example. So it will perform only these three functions. But in higher level languages, C, we can use multiple libraries to perform complex functions. We can take square root, we can raise a number to a higher power. And in many complex mathematical functions can be defined. But ultimately,
in the machine, that is the hardware we have, there exists only one component, that is an adder. So ultimately we have to use only the adder to perform any given complex function, right? So whatever complex function is written in the higher level language, that will be translated into very simple and basic statements that are available with the machine. So the statements that we see in this lecture, that is the load, add, and store. So these are the functions which are available to us, right? So our machine that we discussed here had just one accumulator, and at any given time it added some given number from the memory to the contents of the already available accumulator. So we did not have the luxury of using any memory location for the ALU. We have to perform basic functions, that is, in our processor we had just one accumulator, and wherever in the memory we have the information, that information has to be brought into some register available in the processor, and then processor will add only the contents of one value to the accumulator at one given time, and then we perform the add statement, and then we store it. So the machine is very basic, it has the limited capability, and only the basic or the simplest of these statements are available to us when we are working with the machine language. So that is you can say the positive side or the negative side of the processor. The processor is made to be simple, and the hardware is kept simple. As if we increase the hardware complexity, then it would be increasing the cost of the machine and the area of the machine and the power consumption. Power consumption is a bit, you can say it's, I won't comment on that, but the area and cost are the two major factors. So we, what we do is we keep the hardware simple, but we increase the speed of execution. So for example, if we have to multiply two numbers, then we perform the addition that many times. For example, 10 times 3 means add 10 to 10 three times, and then we will implement it by using an adder, by adding the number multiple times, right? So obviously it would take more time, but as the computer speed is increasing day by day, those instructions would be performed so fast, we will consider that it has performed the multiplication in almost no time, right? So the answer is that we use the machine language or the assembly language instructions because the hardware the hardware limitation of the machine, right? So these instructions are due to the hardware limitations. We have to perform these operations, right? There is no other way. So the one thing is, does machine language help us? Yes, because the compiler ultimately translates a statement to the assembly language. But this process in the case of compiler is automated, and most of the time the conversion process is not the most optimized one. When a human being writes a assembly code, sir, aapki awaaz nahi clear aa rahi. Awaaz pe kya shor zyada aa raha hai ya kya low aa rahi hai? Shor zyada aa raha hai. कुछ आवाजें ये भी कह रहे हैं कि ठीक आ रही है, राइट? अच्छा, असेंबली लैंग्वेज में फिर हम जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो उसकी लिमिटेशन की वजह से लिखते हैं,
ये हार्डवेयर लिमिटेशन है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में अगर हम कोड लिखें तो उसको हम ज़्यादा तेज़ बना सकते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। तो जो कंपाइलर आपको कोड देगा वो दोनों तरह से ही इनएफिशिएंट होगा। किस तरह से? एक तो ये कि उसकी स्पीड जो है वो भी ऑप्टिमाइज्ड और नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से इंसान ऑप्टिमाइज कर सकते उस तरह से कंपाइलर नहीं कर सकता। हो सकता है अगर आपने एक प्रोग्राम अगर इंसान लिखेगा तो तीन स्टेटमेंट्स में लिखे, कंपाइलर यही काम करने के लिए पांच या छह स्टेटमेंट्स लिख देगा, ठीक है। और दूसरा ये कि स्पीड भी जो है, आप अगर खुद से असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखेंगे तो आप उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कंपाइलर हो सकता है काम करने के लिए। उसमें तो एक स्टैंडर्ड डिफाइन होगा कि ये फंक्शन आया तो इसको इन इन स्टेटमेंट्स में करना है कन्वर्ट, तो वो उसे ऑप्टिमाइज नहीं करेगा। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि असेंबली के अंदर डेवलपमेंट टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, कोई छोटा सा टास्क परफॉर्म करने के लिए भी उसकी पूरी थिंकिंग हमें करनी पड़ती है कि इसे कैसे परफॉर्म करना है। ऑन दी अदर हैंड हायर लेवल लैंग्वेज के अंदर लाइब्रेरीज पहले से अवेलेबल होती हैं और हम बड़े कम्प्लेक्स कोड बहुत कम टाइम के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। हायर लेवल लैंग्वेज में डेवलपमेंट टाइम छोटा, आप बड़ी जल्दी से अपनी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं असेंबली के केस में आसानी। तो असेंबली लैंग्वेज फिर हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें कोई स्पेसिफिकली कोई ऐसी ज़रूरत हो, जहाँ पे हम कोड को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हो, फिर असेंबली लैंग्वेज यूज़ करेंगे। जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए या कोड की आप चाहते हैं कि वो स्पेस कम ले, तो फिर आपको असेंबली लैंग्वेज में ही उसे प्रोग्राम करना होगा। हाँ अगर देखें तो जो असेंबली लैंग्वेज की जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो थोड़े से हैं एज कम्पेयर टू एनी हार्डवेयर लैंग्वेज, ठीक है। वो अगर स्टेटमेंट्स की बहुत ज़्यादा आप कहें कि भरमार नहीं है, थोड़ी सी स्टेटमेंट्स हैं वही आपने याद रखनी होती हैं और उनकी बेस पे आप काम करते हैं। In that way, it's you may say it's simpler than the higher level languages. Statements simple होती हैं, उसको procedure को follow करना भी simple है, statement to statement देखें। तो अगर आपने कोई complex काम करना है, जैसे आपने कोई एक tool बनाना है, एक app बनानी है, उसके लिए आप सारा काम assembly language में नहीं करेंगे। Assembly language usually वहीं पर use करते हैं जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो, जहाँ पे आपने कोड को वाकया ही ऑप्टिमाइज करना है, तो फिर आप हर लेवल लैंग्वेज के अंदर भी इन लाइन असेंबली लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। सी के अंदर तो कर सकते हैं, सी प्लस प्लस का मुझे श्योर नहीं है, लेकिन ये कि आप हर लेवल लैंग्वेजेस के अंदर भी ये फैसिलिटी होती है कि किसी फंक्शन को अगर आप चाहें कि डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं, उस केस में कंपाइलर उस कोड को नहीं छेड़ेगा, वो एज इट इज़ मशीन कोड में ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। अभी जो मैंने अभी बातें की हैं इनमें अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं। सर ये कॉम्प्लेक्सिटी वाला समझा दें एक बार फिर से। कॉम्प्लेक्सिटी क्या? ये अगर डेटा कॉम्प्लेक्स होता है तो फिर वो इसे किस तरह यानी कि मशीन लैंग्वेज में करता है और ये कैसे स्टोर इसका सर? कम्प्लेक्सिटी तो एक एडजेक्टिव था जो मैंने यूज़ किया किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो कम्प्लेक्सिटी मैंने किस आप पूरी स्टेटमेंट अगर बोल दें तो ज़्यादा बेहतर है। कम्प्लेक्सिटी इज़ नॉट सम प्रोसीजर के किसी के, का नाम ही है। अपना क्वेश्चन आप दोबारा पूछ सकते हैं। नहीं, अच्छा। असेंबली लैंग्वेज की आपको और भी ज़रूरत पड़ती है जब आपने कोई डिवाइस ड्राइवर लिखना हो, आपने कोई अपना हार्डवेयर बनाया हो या कोई नया हार्डवेयर आप कंप्यूटर के साथ ऐड कर रहे हैं, तो उसके इंटरफेसिंग के लिए हार्ड असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ सकती है। मशीन लैंग्वेज
अच्छा उसके बाद फिर मैंने दो चीजें यूज की, वन इज द असेंबली कोड, द अदर इज द मशीन कोड. असेंबली कोड और मशीन कोड के दरमियान जो है वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट कॉरेस्पोंडेंस है. जब किसी हाई लेवल लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम लिखना होता है तो उसकी कोई मशीन कोड के साथ डायरेक्ट रिजेंबलेंस कोई नहीं होती. असेंबली में डायरेक्ट रिजेंबलेंस होती है. ठीक है, जब कोड लिख रहे हैं वो डायरेक्टली किसी मशीन कोड पर ट्रांसलेट होगा. तो लोड इन 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि लोड, ये आपको एक टेबल मिल जाएगा किसी प्रोसेसर के लिए, लोड कमांड का आपको ओप कोड मिल जाएगा. तो लोड कोड का, लोड कमांड का जैसे ये ओप कोड है 100110. ठीक है, तो उसके बाद मेमोरी एड्रेस है, उसको तो आप सिंपली वैसे ही बाइनरी कोड में चेंज कर सकते हैं. राइट, तो ये अगर लोड 10 या जैसे हमने इसे कहा कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, एड्रेसिंग मोड हम बाद में डिटेल के साथ पढ़ेंगे. डायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब है कि हमने डायरेक्टली एक मेमोरी का एड्रेस दिया और वहाँ से वैल्यू रीड कर ली है. सर ये बिट में लोड का ऑफ कोड और एड्रेस, ये कितने बिट का है? ये 16 बिट का है. इसमें हर इंस्ट्रक्शन जो है वो 16 बिट की है. सही. तो अभी जो हमने अभी ये वाला प्रोसेसर देखा है, डेट इज़ द सिंपलेस्ट प्रोसेसर डेट इज़ पॉसिबल. तो जो कमर्शियल प्रोसेसर हैं इससे थोड़े से कम्प्लेक्स हैं. 8086 जिसकी हम कोडिंग करेंगे वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा कम्प्लेक्स है, थोड़े से ज़्यादा रजिस्टर्स हैं, थोड़े से ज़्यादा फंक्शंस भी हैं. तो अगर हमने कंप्यूटर डिज़ाइन करना हो फ्राम स्क्रैच तो दिस इज़ द मिनिमम, दिस इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ हार्डवेयर डेट वी नीड. तो दोस्तों अभी अजान हो रही है तो 5 मिनट के लिए जो हम खामोशी एहतियात कर रहे हैं. चलिए हम इसे रिज्यूम करते हैं. सर नमाज पढ़नी है, पढ़ें. ठीक है, नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोबारा हम फिर कितने बजे मिलेंगे? 15 मिनट का टाइम दे दें. 15 मिनट, चलें ठीक है सर, जैसे आप कहें. मेरी मस्जिद यहाँ पे तो 1:45 पे जमात होगी. सर हमारी भी अजान होनी है. सर हमारी अजान 10 मिनट बाद होनी है. सर हमारी तो जमात शुरू हो गई है. सर 2:00 कर लें. 2 बजे हम रिज्यूम कर लें. ठीक ओके, थैंक यू सर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.